हाय गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल नेहास किचन में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ भरवा बैगन की रेसिपी। और बस घर पर ही रखे हुए कुछ मसालों से आप ये रेसिपी आसानी से बना सकते हैं। तो भरवा बैगन बनाते वक्त आपसे कोई भी गलती ना हो, उसके लिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, ताकि आप इसके पूरे टिप्स और सीक्रेट फॉलो कर सकें। तो चलिए, भरवा बैंगन बनाने के लिए हम पहले कर लेते हैं इसके मसाले की तैयारी। तो यहाँ पर आप ले लें आधा कटोरी मूंगफली, 3 से 4 लहसुन की कलियां, 1 इंच टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ा चम्मच खड़ा धनिया। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर लिया है। अगर आपके पास खड़ा धनिया ना हो तो आप 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर लें। 1 छोटा चम्मच आप ले लें गरम मसाला और 1 बड़ा चम्मच ले लें कश्मीरी मिर्च, ताकि इसमें कलर अच्छा आए। 1 बड़ा चम्मच आप ले लें सूखा नारियल। यहाँ मैंने सेंधा नमक पिंक सॉल्ट यूज किया है। और 1 बड़ा चम्मच ले लें आप तेल और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। सूखे मसालों के साथ ही आप ले लें 2 मीडियम आकार के प्याज और 1 टमाटर। तो प्याज को आप रफली चॉप कर लें, कुछ इस तरीके से। आप या इसे लंबा लंबा काट लें या बारीक काट लें। तो मसालों को पहले हम थोड़ा सा भूंजेंगे, ताकि उसमें से जो कच्चापन है प्याज लहसुन का वो चला जाए। तो आप एक पैन में 2 चम्मच डालें तेल, पैन को रखें मीडियम आंच पर और उस पर फिर आप डाल दें प्याज। तो प्याज को आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसे थोड़ा सा हम हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। जब तक प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, तब तक आप ले लें बैंगन। तो यहाँ पर बैंगन लेने में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि इस तरीके से वाइट लाइन वाले बैंगन लेने हैं या इस तरीके के बैंगन लेने हैं। तो यहाँ मैं दोनों प्रकार के बैंगन यूज़ कर रही हूँ। आप ये रेसिपी दोनों बैंगन में बना सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो। तो यहाँ पर प्याज हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है, तो इसे हमें थोड़ी देर और पकाना है, ताकि सब्जी में इसका कच्चापन बिल्कुल भी ना आए। तो चलिए अब आते हैं बैंगन की ओर। तो ये जो बैंगन है, ये काटना कैसे है, बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो आप जो ये बैंगन है, उसे पीछे से कुछ इस तरीके से काट लें और फिर इसके ये जो ग्रीन पार्ट होते हैं, ये आप निकाल लें। ये खाने में बिल्कुल अच्छे भी नहीं रहते हैं और ये काफ़ी मार्केट में गंदे हो गए रहते हैं। तो आप इसे, इस पार्ट को इसमें से निकाल लें कुछ इस तरीके से। अब भरवा बैंगन में मेन होता है बैंगन के अंदर इसका मसाला भरना। तो आप बैंगन को आधा कुछ इस तरीके से काटें, इसे पूरा ना काटें। तो इसे हमें इतना काटना है कि ये नीचे से जुड़ा रहे, देखिए कुछ इस तरीके से। और आप अंदर चेक कर लें कि बैंगन में कोई कीड़े तो नहीं है। और आप इसे इमिडिएटली पानी में डाल दें, ताकि ये काले ना पड़े। तो जो ये प्याज है, ये अच्छे से ब्राउन हो चुका है। बस इसी स्टेज में आप इसे एक प्लेट में निकाल दीजिए, आप इसे और ज़्यादा ब्राउन मत करिएगा। और अब बारी आती है मूंगफली की। तो आप मूंगफली को सेम पैन में डाल दीजिएगा और इसे हमें अच्छे से भूनना है, ताकि जो इसका छिलका है वो इसमें से अलग हो जाए। तो सारी रेसिपी आपको इसी तरह टिप्स और सीक्रेट के साथ मिलते रहे, आप उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जो मूंगफली है वो अच्छे से भून चुकी है, उसमें से उसके छिलके भी अलग हो रहे हैं। तो आप इसे प्याज के साथ अलग से निकाल लें। और अब बारी आती है तिल की। तो तिल को भी हमें यहाँ चटकने तक अच्छे से रोस्ट करना है, उसे अच्छे से भूनना है। तो तिल डालने के बाद आप उसे लगातार चलाते रहें, ताकि ये हर तरफ से अच्छे से पक जाए, रोस्ट हो जाए। और ये देखिए, ये हल्का ब्राउन हो गया। तो ये करने में आपको 1 से 2 मिनट ही लगेंगे। तो आप इसे प्याज और जो मूंगफली हमने पहले से प्लेट में निकाला है, बस उसके साथ डाल लें। और अब बारी आती है खड़े धनिया की। तो धनिया को भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए ही हल्का सा इसमें भून लेना है। और ये देखिए, 1 से 2 मिनट में ही जो धनिया है वो अच्छे से भून जाएगा, आपको इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और यही मेन सीक्रेट है रेसिपी में इसके अच्छे फ्लेवर का। तो आप ऐसे मसालों में अगर खड़ा धनिया डालें तो उसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो इसे भी आप मिला लें जो हमने पहले से भून के मसाले रखे हैं उसके साथ। तो लहसुन और अदरक को भी हम थोड़ा सा भूनेंगे। ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आपको कच्चा डालना है तो आप कच्चा डाल सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे थोड़ा सा इस तरीके से आप भून लें 2 से 3 मिनट के लिए ही। और आप इसमें इसके साथ ही मिक्स कर लें। तो लास्ट में मैं यहाँ पर डालूंगी ये जो नारियल है, क्योंकि नारियल बहुत ही ज़्यादा फाइन पाउडर है। अगर आपके पास कच्चे नारियल के पीसेस हैं तो आप उसे भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम में 1 से 2 मिनट तक ही इसे आप भूंजें, ताकि ये अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाए।
देखिए इस स्टेज तक आपको इसे भूनना है। तो ये आप बड़े ही सावधानी से करिएगा क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जल जाता है। तो आप इसे सारे मसालों के साथ मिक्स कर लें। तो जो ये टमाटर है इसे भी मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है, ये ऑप्शनल है, पर अगर आप इसे करेंगे तो काफ़ी इसमें अच्छा फ्लेवर आएगा सब्जी में। तो इसे आप 1 से 2 मिनट के लिए ही कुछ इस तरीके से भूंजिए। तो टमाटर आप सबसे लास्ट में करिएगा और आप इसे इसमें मिक्स कर लें बाकी मसालों के साथ। और इसमें ही आप जो पहले से हमने सूखे मसाले रखे थे आप अच्छे से मिक्स कर लें और इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा होने दें। तो रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के बाद इसका मैंने एक फाइन पेस्ट बना लिया है मिक्सर में। तो देखिए ये आपको काफ़ी ज़्यादा फाइन पीसना है मिक्सर में। तो अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा सा पानी इसमें डालकर ग्राइंड करना है तो आप थोड़ा पानी मिला सकते हैं। और उसके बाद जो पहले से कटे हुए बैंगन रेडी थे जिसे हमने पानी में डालकर रखा था आप उसके अंदर ये मसाला भर दें कुछ इस तरीके से। तो बैंगन में आपको बहुत अच्छे से मसाला भरना है ताकि इसमें जो उसका बैंगन में इसका मसाले का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से आए। तो आप ये मसाला एक दिन पहले भी बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और दूसरे दिन ये सब्जी बना सकते हैं अगर आपको जल्दी में सब्जी बनानी है। तो सारे बैंगन में मसाला भरकर आपको पहले रेडी करके रख लेना है। और सारे बैंगन में मसाला भरने के बाद कुछ मसाला यहाँ पर बच भी जाएगा तो आप घबराइए मत कि इतने सारे मसालों का क्या करेंगे, इसे भी हम ग्रेवी में ही डालेंगे। तो आप पैन को रखें मीडियम फ्लेम में और उसमें आप डाल दीजिए 1/4 कप तेल। जी हाँ, यहाँ पर तेल आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि जो बैंगन है अगर आप उसे कम तेल में पकाएंगे तो वो अच्छे से पक नहीं पाएगा। जैसे ही तेल गर्म हो जाए आप उसमें डाल दीजिए 5 से 6 मेथी के दाने और उसके बाद आप डाल दें जितना हमारा रेडी किया हुआ बैंगन था। तो सारे बैंगन डालने के बाद ये जो मसाला बचा हुआ था पहले आप उसे इसके ऊपर अच्छे से फैला लें। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। तो आप इसे ऐसा लें और आप इसे ऊपर से बैंगन में डालें ताकि बैंगन के साथ ये जो मसाला है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो सारे मसाले डालने के बाद आप इसे लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दें। तो आप इसे ढक दें ताकि जो बैंगन है वो अच्छे से अंदर से भी पक जाए। तो 5 मिनट के बाद अगर आप खोल कर देखें तो ये थोड़ा थोड़ा पकने लगा है। तो आप इसे एक बार चेक कर लें कि कहीं नीचे से बैंगन तो नहीं चिपक रहे। तो देखिए ये नीचे की साइड से अच्छे से गल चुके हैं। तो आप इसे पलट लें तो ये जो बैंगन है एक साइड से तो थोड़ा सा पक चुका है पर इसका ये जो मसाला है वो अभी भी कच्चा है। तो सारे बैंगन को आप एक तरफ से पलट लें ताकि जो बैंगन है वो दूसरे साइड से भी अच्छे से पक सके और ये जो मसाला है ये भी अच्छे से पक जाए। तो सारे बैंगन को आप धीरे हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से पलटें ताकि ये टूटे ना। और इसे लो फ्लेम में ही ढककर आप 5 से 10 मिनट के लिए पकने दें। तो लो फ्लेम में 10 मिनट पकने के बाद देखते हैं बैंगन कैसे हैं। तो बैंगन तो अच्छे से लग रहा है पक गए हैं, थोड़ा और कुछ कुछ बैंगन को पकना बाकी है और ये जो मसाला है इसे और भूंजना है। तो इसे ढककर इसे और 10 मिनट हम पकाते हैं। और 10 मिनट लो फ्लेम में पकाने के बाद ये देखिए सारे जो बैंगन है ये अच्छे से पक चुके हैं और ये जो मसाला हमने डाला है ये भी अच्छे से पक चुका है। अगर आपको सब्जी थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए तो आप यहाँ पर 1/2 ग्लास गर्म पानी डाल सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा लिक्विड ही बने, बट मुझे भरवा बैंगन थोड़ा सेमी लिक्विड ड्राई पसंद है। तो 5 मिनट में इसे और लो फ्लेम में पकाऊंगी ताकि ये जो मसाला है उसमें अच्छे से तेल अलग हो जाए। और ये देखिए जो भरवा बैंगन है ये बनकर रेडी हो चुका है। तो इसे पूरा पकाने में मुझे लगे हैं 20 से 25 मिनट। तो यहाँ पर फोक या टूथपिक आप घुसा के देखिए, अगर ये सॉफ्टली अंदर घुस जा रहे हैं इसका मतलब जो बैंगन है वो पक चुका है। और फिर आप इसकी गार्निशिंग करिएगा बारीक कटे हुए हरे धनिए से और लीजिए हो गई भरवा बैंगन की सब्जी बनकर तैयार। तो आप ये गर्मा गर्म भरवा बैंगन गर्मा गर्म रोटियों और गर्मा गर्म चावल के साथ परोसें। तो कैसे लगे आपको इतनी आसान भरवा बैंगन की रेसिपी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक और भी स्वादिष्ट और जबरदस्त रेसिपी के साथ।